पाकिस्तानियों ने लाहौर को धुआं धुआं कर दिया। खाने को नहीं दाने, पाकिस्तानी चले खुशियां मनाने। लाहौर में आटा आउट ऑफ स्टॉक, पर गोलियों का स्टॉक अनलिमिटेड। वकीलों जैसे कपड़े पहने हुए एक शख्स ने असॉल्ट राइफल से हवाई फायरिंग की। 1, 2, 3, 4 लगातार गोलियां फायर की गईं। कुल मिलाकर 25 गोलियां चलाने के बाद ये शख्स रुका। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दावा है कि ये लाहौर बार काउंसिल का वकील है, जिसने अपने गुट के इलेक्शन जीतने की खुशी में अंधाधुंध गोलियां चलाई। अगली पिक्चर भी लाहौर में कोर्ट के बाहर की है। यहां भी काला कोट पहने हुए एक वकील ने पिस्टल लेकर फायरिंग की। जैसे ही एक वकील की गोलियां खत्म हुई, दूसरा शुरू हो गया। कुछ लोग इस फायरिंग से बचने के लिए दूर भाग गए। शहर के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से फायरिंग के लिए कंपटीशन शुरू हो गया। पहले गुट ने एक गोली चलाई तो दूसरे ने कम से कम 2 फायर किए। काफी देर तक लाहौर इन गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। पाकिस्तान में लॉयर का मतलब है वो लोग जो लॉ से ऊपर होते हैं, इसीलिए जश्न वाली गोलियां नॉनस्टॉप चलती रही। ये पाकिस्तानी वकील कानून के दाव पेच बताते हैं, पर खुद इन्होंने सड़क पर सैकड़ों राउंड गोलियां फायर कर दी। फायरिंग की अगली तस्वीर देखकर पाकिस्तान की फौज को भी शर्म आ जाएगी। अगले वकील ने सिर्फ 11 सेकंड में ही AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी। पाकिस्तानी पत्रकारों के मुताबिक ये वकील हैं, हालांकि सही मायने में ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा है। पाकिस्तान से एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली तस्वीरें आती रही। जो वकील फायरिंग की ABCD नहीं जानते थे, वो भी सामने आने लगे। एक वकील ने अपने साथी से मदद मांगकर हवाई फायरिंग की। सबका एक ही सपना है, इन्हें आसमान में गोली चलाकर बाहुबली वकील बनना है। लाहौर के ये लॉयर्स कानून बचाने वालों से ज्यादा लॉ तोड़ने के चैंपियन निकले। आसपास खड़ी भीड़ जोश बढ़ाती रही। एक के बाद एक दूसरा वकील सामने आता रहा और फिर कानून के धज्जियां उड़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के जर्नलिस्ट इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में फायरिंग वो वकील कर रहे हैं जिन्हें मुल्क में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका माना जाता है। इनके जिम्मे ही कानून का राज बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन खुशी मनाने के लिए इन सब ने पाकिस्तान के कानून को ही टारगेट बना दिया। लाहौर बार में गोलियां चल गईं। वकला के यूनिफॉर्म पहने अफराद ने फायरिंग की। पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बार के इलेक्शन 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिए हैं। इसी की तफसील जानेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, आगाह किसी मामले से? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर बार का आज सालाना इलेक्शन था। तहम जो है वो ये इलेक्शन में तनाजे का शिकार हो चुका है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने जो है वो जो इंतहावी नतज थे उसका ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानब पंजाब बार काउंसिल की जानब से इस इलेक्शन को मुलतवी करने की जो है वो एक बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। पूरी खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने भी ये खबर चलाई। दावा है कि फायरिंग के साथ साथ इलेक्शन में धांधली भी हुई है। इसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान की पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया है। पंजाब बार काउंसिल ने बदनज़मी और धांधली की शिकायत पर लाहौर बार के इलेक्शन 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिए हैं, जबकि इलेक्शन बोर्ड ने नतीजे का ऐलान भी कर दिया है। इस दौरान ऐवान-ए-अदल के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ाहिद शेरवानी से। ज़ाहिद, आगाह कीजिएगा।
जी आज लाहौर बार के इलेक्शन का इनेकाद हुआ जो कि सालाना इंतखाबात होते हैं और हर साल लाहौर बार का इलेक्शन होता है, लेकिन मामूली झगड़ों के बाद फिर भी इलेक्शन जमसला पे तकमील पे पहुंच जाता है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि बाकायदा तौर पर धांधली का इल्जाम लगाया गया, वोटर्स को वोटर वोट नहीं डालने दिए गए। वकला जो है बहुत देर तक इंतजार करते रहे, दरवाजे नहीं खोले गए। इन इल्जाम की बुनियाद पर पंजाब बार ने इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है, जो रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं उनको कालेदम करार दे दिया है और 23 जनवरी को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। ये तजवीज किया गया है और इसके बाद एक ने यहाँ पर शदीद फायरिंग की, फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। अब पुलिस दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान के वकीलों की फायरिंग का वीडियो देखकर दुनिया हैरान है। सवाल है कि अगर लाहौर में वकीलों के पास इतना गोला बारूद है तो आतंकियों के पास कितना होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई छोटी जंग हो तो पाकिस्तान अपने वकीलों को भी मोर्चे पर भेज सकता है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि फायरिंग करके वकीलों के एक गुट ने प्रेशर बनाने की कोशिश की है। बार काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से जिसमें अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, लाहौर बार एसोसिएशन में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वोटिंग होने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी जनता ये वीडियो देखकर गोलियां चलाने वाले वकीलों का लाइसेंस रद्द करने की डिमांड कर रही है। जब इन वकीलों से कैमरे के सामने सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सबसे पहले वो बयान सुनिए। आपका नाम? फैसल चौहान एडवोकेट। आपका नाम? एडवोकेट उमर जमशेद। आपका नाम? मलिक अकमल खोखर। मलिक साहब, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए इतनी ज्यादा जो फायरिंग हो रही है ये क्यों हो रही है फायरिंग यहाँ? ये इजहार खुशी की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही काबिले कबूल नहीं है आज के लिहाज से देखा जाए तो। लाहौर बार ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवा दी है कि विनर कौन कौन है, लेकिन इससे पहले मीनवाइल पंजाब बार इसको कैंसिलेशन में डाल चुका है, यानी इलेक्शन कैंसिल हो गया है इस वजह से फायरिंग हो रही है। जी हाँ जी, ठीक है। खैर फायरिंग अलाउड नहीं, आई थिंक ये वकील जो उनसे हैं वो रूल की वायलेशन कर रहे हैं। जनाब अली ये वकीलों के सामने डिफरेंट लोग वायलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये वीडियो शर्म की वजह बन रहा है। अब लाहौर के वकील चाहे जितने बहाने बनाए, शहबाज सरकार के लिए ये कलंक मिटाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।